गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम क्लास 8 का चैप्टर 11 जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ रहे थे। इसके लेखक है प्रदीप तिवारी। हमने कैसे बताया कि जो सिनेमा जो है 14 मार्च 1931 को एक समा फिल्म स्टार्ट हुई। जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी आलमारा, ये सबसे पहली बोलती हुई फिल्म थी। इससे पहले सारी फिल्में मूक फिल्में बनती थी। फिर हमें बताया कैसे इसको फिल्मकार जो थे अर्देशिर एम ईरानी, उन्होंने 1929 में जो है हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी शोबॉट, उसी के आधारित करके उन्होंने इस पिक्चर को बनाया था। फिर हमने पढ़ा था कि अर्देशिर की जो फिल्म थी उसके लिए उसने गाने खुद, उसकी धुनें खुद सुनी, उसमें केवल तबला हारमोनियम वायलिन ही इस्तेमाल हुआ। फिर हमने बताया कि इसके पार्श्व गायक कौन थे, WM खान। इसके बाद पार्श्व गायक यानी पर्दे के पीछे गाने वाले बताए कौन थे। फिर बताया कि इसकी जो शूटिंग है वो केवल रात के समय ही होती थी, इसीलिए प्रकाश प्रणाली का निर्माण हुआ। फिर बताया गया कि अर्देशिर की कंपनी 150 भी ज़्यादा लगभग इसने मूक और 100 के करीब बोलती हुई फिल्में बनाई। और जो आलमारा फिल्म थी वो अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी, यानी मौज मस्ती से भरपूर थी। उसके बाद हिंदी उर्दू मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें अनोखे संयोजन थे, इसकी नायिका जुबैदा थी, नायक विट्ठल थे। फिर हमने एक घटना बताई कैसे विट्ठल को जो है जब उर्दू बोलने में दिक्कत आती थी तो उनको हटाया गया, महबूब को रखा गया, लेकिन विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। फिर उनका मुकदमा जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा और फिर वो जीत गए और फिर उन्होंने इस पिक्चर में नायक बने। फिर हमने बनाया कि वो स्टंट मैन के रूप में भी नहीं रहे, यानी हैरत अंगेज करतब दिखाने लगे। फिर उसके बाद हमने बताया 14 मार्च 1931 को ये जो थी पिक्चर मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक क्या हुई, हाउसफुल हुई और पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करना पड़ा। कहते हैं ये कितनी लंबी फुट थी, 10,000 फुट लंबी थी। अब हमने इसमें बताया थे कि संवाद फिल्मों के लिए कौन कौन से विषय चुने गए थे, पारसी रंगमंच के नाटक, पौराणिक कथाएं, अरबी प्रेम कथाएं आदि। अब उसके बाद 1956 में आलमारा के जब 25 वर्ष पूरे हुए तो इनको सम्मानित किया गया अर्देशिर को, लेकिन उन्होंने क्या, और भारतीय संवाक फिल्मों का पिता कहा गया, पिता यानी जनक यानी पिता कहा गया, और इनको खिताब दिया गया, उपाधि दी गई या सम्मान दिया गया। तो उन्होंने कहा मुझे ये खिताब देने की ज़रूरी नहीं है, मैंने अपने देश के लिए ज़रूरी योगदान किया है। अब कहते हैं अब जब बोलना शुरू हुआ, यानी कि संवाक फिल्में आगे देखिए, जब संवाक फिल्में बननी शुरू हो गई, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया यानी संवाद फिल्में बननी शुरू हो गई, तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की यानी किरदारों की, जो पढ़े लिखे थे करेक्टर, उनकी ज़रूरत हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय ही नहीं करना था, उनको बोलना भी पड़ता था, डायलॉग बोलने थे यानी संवाद बोलने थे। पहले केवल अभिनय किया जाता था, अब तो जो है बोलने की भी ज़रूरत थी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चलाया जाता था, यानी जब बोलने वाली फिल्में नहीं थी तो सिर्फ करतब दिखाने वाले और हट्टे कट्टे शरीर वालों को रखा जाया करता था। लैब उन्हें संवाद बोलना होता था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी, यानी संगीतकारों की, गीतकारों की भी इज्जत होने लगी। इसलिए आलमारा के बाद आरंभिक यानी शुरू में संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, जो गाने वाले नेता थे वो भी आने लगे, उनमें दिखाई देने लगे। हिंदी उर्दू भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, यानी कि सिर्फ हमें अपने अंग को आँखों के जरिए, हाथों के जरिए नहीं दिखाना था, बल्कि कैसे
किसने तकनीक ने ले लिया, बोलचाल की भाषा ने। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक यानी रोज प्रतिदिन होने वाले और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा, यानी जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं वो रूबरू हमारे सामने आने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शक यानी देखने वालों पर भी खूब पड़ रहा था, यानी जो अभिनेता थे कलाकार थे उनकी जो खासियत थी उसका सभी दर्शकों पर भी असर पड़ रहा। फिर एक फिल्म आई माधुरी, इसकी जो नायिका थी अभिनेत्री थी वो सुलोचना की हेयर स्टाइल यानी बालों का सजाने का ढंग उस दौर में औरतों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। औरतें अपनी केस सजा यानी बालों को सजाना उसी तरह करती जैसे उस नायिका सुलोचना ने अपने बाल उस पिक्चर में हेयर स्टाइल बनाया, वैसे ही औरतें बनाने लगी। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में जो है भारत के अलावा किन कलाकारों ने भाग लिया, ईरानी कलाकारों ने खुद आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई है, दूसरे देशों में भी इसकी काफ़ी लोकप्रियता रही। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को जनक यानी पिता फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। कहते हैं कि जो भारतीय सिनेमा ने क्या किया, बोलती हुई फिल्म के जो पिता हैं अर्देशिर उनकी इस उपलब्धि यानी जो है उपाधि सम्मान को अपनाना ही, खासियत को अपनाना ही, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था, यहां से बोलने वाली फिल्मों का बनने की शुरुआत हो चुकी